Hello viewers, welcome to my channel. Do subscribe my channel for my latest videos. तो मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है कि बच्चीज के लिए कैसे डोली लगाएं कि उन्हें पसंद आ जाए और अंडे भी ख़राब होने के कम से कम चांसेस हों। तो ये आपके सामने मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की डोलियाँ रखी हुई हैं। एक ये देखें, ये छोटी सी है, उसके अलावा एक ये डोली है। डोली कहें आप, मटकी कहें इसे, कुज्जी कहें, एक ये है। तो ये तीन किस्म की है। तो अब बात आती है कि इनमें से हम कैसे डोली लगाएं। तो सबसे पहली जो बात है वो इसकी हम कर लेते हैं। ये देखें, ये एक छोटी सी है, आम यूजुअल आपको मिल जाएगी। इसकी बेस देखें, बेस भी अच्छी बनी हुई है, गोल नीचे से, लेकिन इसका एक इशू है, ये छोटी बहुत है और ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है फिंचेस और जावा के लिए। ये बच्चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लेने जाएंगे तो कम पैसे देख के, या अगर आपको देना चाहता है जो ये बेच रहा है तो उसे कहें कि भाई हमें थोड़ी बड़ी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो ये आपको सैंपल दिखाने के लिए मेरे पास पड़ी हुई थी, ये मैंने आपको दिखा दी है। अब ऐसी आपने बिल्कुल बाय नहीं करनी क्योंकि ये बहुत ही छोटी है बच्चीज़ के हिसाब से। इसके अंदर बच्ची नहीं आते हैं, जो स्पैरो चिड़िया टाइप बर्ड्स होते हैं, जावा और फिंचिस, ये उनके लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर। बड़ी ढोली है माशाल्लाह, अच्छी बनी हुई है, डिज़ाइन भी इसका अच्छा, मतलब मट्टी इसकी अच्छी साफ़ सुथरा है। अंदर से ये गंदी है तो आपको नज़र आ रही होगी, जाहिर सी बात है केज से उतरी हुई ये भी है, लेकिन इसका एक इशू है। वो इशू ये है कि दिखने में तो ये बड़ी आपको नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप इसकी बेस देखेंगे तो नीचे से अंदर से ये बिल्कुल छोटी बेस है। इसकी बेस और इसकी नीचे से बेस तकरीबन तकरीबन सेम है। तो इसमें ये होता है कि बर्जी जब इसमें बैठता है तो वो पूरा नहीं आता। अगर मैं आपको दिखा सकूं नीचे से, आपको अगर अंदाज़ा हो सके, अगर अंदर से देख सकें या फिर मेरी बात पर आप यकीन रखें, तो ये बहुत ही अंदर से छोटी है, बिल्कुल थोड़ी सी बज्जी इसके ऊपर नहीं बैठ सकता। तो जब वो अंडे देता है और अगर इसके ऊपर वो प्रॉपर नहीं बैठेगा तो अंडे आप बज्जी इसके ख़राब हो जाएंगे। तो अब आते हैं सबसे बेस्ट, जो है सबसे बेस्ट रहेगी इस तरह की। ये देखें, बड़ी डोली है, बेस भी देखें नीचे से अच्छी बनी हुई है। उसके अलावा अंदर देखेंगे तो ये देखें वाइड है, साइड से देखें आप वाइड है। अगर इसको और इसको कंपेयर करें आप तो ये देखें, ये नीचे से इसकी बेस जो है वो कम है और इसकी बेस देखेंगे आप, वो आपको वाइड नज़र आएगी। तो ये जो बजरी है, डोली है, ये आपकी बज्जीज़ के लिए बेस्ट रहेगी। आप ये बाय कर लें मार्केट से, ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको 30 रुपये की एक मिल जाएगी, बहुत ही सस्ती है। अगर ये लेने जाएंगे ये आपको 40 रुपये की मिलेगी क्योंकि अच्छी बनी हुई है, लेकिन इसका इशू ये है कि ये आपके बजट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसके बाद ये देखें, ये छोटी सी सामने आ गई। अब इसको कंपेयर करें आप इन सब से और ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कौन सी डोली जो है वो बेस्ट रहेगी। ये आपको आई थिंक 25 की मिल जाएगी, ये आपको 30 की मिल जाएगी और ये आपको 40 तक की, क्योंकि इसका मटेरियल जो है वो अच्छा है। अगर इसमें आप ये मटेरियल ले लें या ये कोई मसला नहीं है यार, चीज़ एक ये देखें, ये भी मज़बूत है, ये भी मज़बूत है, ये भी मज़बूत है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि आपकी बज्जीज़ को कौन सी अच्छी लगेगी। आपको बज्जीज़ को थोड़ी वाइड बड़ी सी डोली अच्छी लगती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कि इसको केज में कैसे लगाना है, कि आप इसको ईज़िली बाहर निकाल सकें, लगा सकें, इसकी सफ़ाई कर सकें, क्योंकि अक्सर देखा है मैंने लोग डोली जो है ये कुज्जी जो है इसे फिक्स कर देते हैं केज में और फिर बाद में उसे खोलते रहते हैं, अंदर से कोई धागे से रस्सी से बांध देगा, कोई तार से बांध देगा तो इशू करता है बाद में। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इसको केज में कैसे लटकाएं। किसी भी किस्म केज होगा आप उसमें ईजीली इसको लटका सकते हैं, बस ये कि केज का साइज़ डोली के हिसाब से होना चाहिए। ये ना हो कि आप 1 फुट का केज ले आएँ और आधे फुट की आप डोली लेकर आ जाएं तो आपके बर्ड्स के लिए ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।